हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित कत्था फैक्ट्री के पास खाने के ठेले पर बैठे युवक पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। बता दें कि रामपुर रोड कत्था फैक्ट्री की कॉलोनी निवासी अमित कश्यप अपनी पत्नी, बच्चों और पिता सुमेर और भाई संजय के साथ रहता था। अमित पंचायत घर स्थित एक पेंच कंपनी के जीपों में काम करता था और पिता सुमेर किसी काम के सिलसिले में मंगल पड़ाव चले गए। उन्होंने अमित को ठेले पर बैठने को कहा। इस दौरान अमित और उसका 8 साल का बेटा ठेले पर बैठ गए। शाम को बिजली चली गई थी और अमित ने अपने बेटे को घर से चार्जिंग वाला बल्ब लेने भेज दिया, तभी अमित की हत्या कर आरोपी फरार हो गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहाँ पर नहीं था और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पर कौन बैठा है, और उसके हाथों पुत्र का कत्ल हो गया। सर, इसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? सर, क्या रिश्ता रहा इसके लिए? सर, हत्या कारण क्या रहा? हत्या कारण क्या रहा? देखिए, हत्या का जो प्रारंभिक कारण है वो ये निकल के आया है कि जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी और उनसे पूछ के ही घर के फैसले लिया करती थी, जिससे हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में विवाद रहता था और इस वजह से जो अभियुक्त है वो मृतक के परिवार से रंजिश रखता था।